हाय गाइस वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आज का जो वीडियो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट एट मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सब लोगों से जिन्होंने पार्ट वन टू सेवन नहीं देखा है पहले वो पार्ट वन टू सेवन देख लें ताकि ये वीडियो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेकेंड हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ द अनसर्टिन डिजिट्स सबसे पहले आता है रूल्स फॉर अर्थमेटिक अर्थमेटिकेशन देखिए इसमें पहला रूल क्या है जब मल्टीप्लीकेशन या डिविजन होगा तो फाइनल रिजल्ट में इट शुड रिटेन एज एज सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद दिन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या मतलब है इसका एग्जाम्पल से देखते हैं मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल में डेंसिटी निकालनी है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है मान लीजिए मुझे मास दिया है 4.237 ग्राम वॉल्यूम मुझे दिया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब अब फाइनल रिजल्ट में कितनी होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले हम इसकी कैलकुलेट करेंगे इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है फोर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है थ्री इन दोनों में से कम कौन सी है चार कम है कि तीन कम है तीन कम है तो फाइनल रिजल्ट में मेरी कितनी हो जाएंगी तीन कितनी होंगी तीन ठीक है मैंने यहां तीन क्यों ली क्योंकि इन दोनों में से तीन कम है ठीक है तो फाइनल रिजल्ट में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी जितनी ओरिजिनल में जो लीस्ट होगी ओरिजिनल में लीस्ट कितनी है तीन है तो फाइनल में उतनी सिग्निफिकेंट डेट्स होंगी जो ओरिजिनल में लीस्ट होगी ठीक है तो यहाँ पे तीन आ जाएंगी तीन सिग्निफिकेंट डेट्स तक हम इसको लेंगे ठीक है तो ये था हमारा रूल नंबर वन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में अब मान लीजिए अगर एडिशन या है तो मान लीजिए जो एडिशन और एडिशनशन है अब इसमें क्या देखेंगे एडिशन और ऑफ के केस में जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें हम देखते हैं लीज डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं अभी एग्जाम्पल में मैंने लिया एडिशन करना है मुझे फोर थ्री सिक्स पॉइंट थ्री टू प्लस करना है मुझे टू टू सेवन पॉइंट टू प्लस करना है मुझे ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन इसका फाइनल रिजल्ट आता है सिक्स सिक्स थ्री पॉइंट एट टू वन ठीक है अब देखिए इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं इसमें टू डेसिमल प्लेसेस तक है इसमें कितना डेसिमल प्लेस तक है वन डेसिमल प्लेस तक इसमें कितना डेसिमल प्लेस तक है थ्री डेसिमल प्लेस तक सबसे कम किसमें है? डेसिमल तक? तक। तो क्या लूंगा, वन तक लूंगा।, बस यहां तक लूंगा। है? तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट मैं सिर्फ वन डेसिमल प्लेस तक लूंगा इस केस में क्यों क्योंकि मेरा इन तीनों में सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है इसमें है ठीक है तो यही है सेकेंड रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम फाइनल रिजल्ट में वहां तक सिग्निफिकेंट डिजिट लेते हैं डेसिमल जिसमें ओरिजिनल में सबसे कम डेसिमल प्लेस हो ठीक है जैसे यहां पे मिनिमम कितनी है वन तो हम वन डेसिमल प्लेस तक यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेंगे तो ये है मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस ये है रूल नंबर टू अब आते हैं राउंडिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ के केस में क्या होगा देखिए राउंडिंग ऑफ के केस में प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज़ बाय वन इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप मोर देन ठीक है जैसे कि मान लीजिए ये सेवन फोर सिक्स अब मुझे इसे राउंड ऑफ करना है थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक तो मैं क्या करूंगा थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट तक का मतलब क्या हुआ मुझे यहां तक लेना है ठीक है तो अब मैं देखूंगा ये जो मेरा नंबर है ठीक है कौन सा नंबर ये जो मेरा नंबर है ये मेरा फाइव से बड़ा है कि नहीं फाइव से बड़ा है तो मैं इस नंबर को प्रीसीडिंग नंबर को क्या कर दूंगा एक से बढ़ा दूंगा मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे टू पॉइंट सेवन फाइव अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तीन तक थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक तो तीन सिग्निफिकेंट डिजिट ये हुई सिर्फ मुझे इतना लेना है मुझे ये चाहिए तीन चाहिए तीन डिजिट पर मुझे राउंड ऑफ भी करना है तो राउंड ऑफ करते टाइम मैं ये 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 देखूंगा कि वाली वाली जो डिजिट है है ठीक तीन के बाद अब सेकंड केस लेते हैं ये तो हो गया पहला वाला केस प्रीसीडिंग डिजिट इज बाय द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप मोर देन फाइव अब सेकंड केस मान लो ये डिजिट मेरी होती 2.743 अब मुझे अगर राउंड ऑफ करना है तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो मैं क्या करूंगा मुझे यहीं तक चाहिए अब मैं इसको देखूंगा अब ये मेरी फाइव से कम है अगर फाइव से कम है तो मैं क्या करूंगा ये नंबर मेरा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा टू ठीक है फाइव से बड़ा होता है तो प्लस वन हो जाता है अगर फाइव से कम होता है तो हम क्या करते हैं सेम का सेम उसे वैसे का वैसे ही लिख देते हैं ठीक है अब एक चीज और अगर मान लीजिए मान लीजिए टू पॉइंट सेवन फोर फाइव है ठीक है यहां तो फाइव से बढ़ाता है फाइव से कमता लेकिन अगर फाइव है यहां नंबर और मुझे ये नंबर ही फाइव है और मुझे राउंड ऑफ करना है तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक तो मैं क्या करूंगा उस केस में मैं देखूंगा कि यह जो मेरा प्रीसीडिंग डिजिट है ये इवन है कि ऑड है अगर ये इवन है अब देखिए इस केस में क्या यह नंबर क्या है ठीक है लेकिन एक केस और लेते हैं अगर ये मेरा प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो मैं क्या करूंगा ऑड के केस में मैं इसको एक इंक्रीज कर दूंगा क्या कर दूंगा मैं ठीक है ये मेरे को यहां तक लेना है ये मेरा नंबर क्या है मेरा ऑड है तो उसकेस में क्या करूंगा इवन था तो सेम का सेम छोड़ दिया कुछ नहीं किया लेकिन अगर प्रीसीडिंग डेट मेरा ऑड है तो मैं क्या करूंगा इसको प्लस वन कर दूंगा ठीक है ये मैं किन केसेस की बात कर रहा हूं अगर मेरा यहाँ पे नंबर फाइव है ठीक है ये फाइव नंबर है मेरा यहाँ पे ठीक है जिससे मुझे जिसके हिसाब से मुझे राउंड ऑफ करना है अगर वो फाइव है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर फाइव से बड़ा है तो सिंपल है प्लस वन कर दो यहाँ पे फाइव से छोटा है तो वैसे ही छोड़ दो लेकिन अगर नंबर ही फाइव आ जाए यहाँ पे तो क्या करना है नंबर फाइव आ जाए तो ईवन है तो, तो वैसे ही छोड़ दो ठीक है डिजिट डिजिट अगर 5 के केस में ऑड है तो उसे प्लस वन कर दो तो हो गया यहां पे ठीक है ये रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ईस्ट साइड ऑफ क्यूब इज सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री मीटर वॉट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला देख लीजिए पहले क्या होता है ये होता है सिक्स ए स्क्वायर ठीक है सिक्स इंटू ए क्या है साइड साइड का स्क्वायर साइड हमें इस केस में दिया हुआ है साइड कितना दिया हुआ है सेवन पॉइंट टू ज़ीरो थ्री का स्क्वायर ठीक है तो ये कितना हो गया ये बनता है मेरा थ्री वन वन पॉइंट टू नाइन नाइन टू फाइव फोर ठीक है अब आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो कहां तक लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक तक लेंगे जहां तक मेरे पास इसमें तो इस केस में मैं चेक करूंगा कि जो ओरिजिनल नंबर मेरे पास जो नंबर दिया है साइड दिया है उसमें कितना वो है सिग्निफिकेंट डिजिट तो जो सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है फोर ठीक है और तो कोई नंबर है नहीं सिर्फ एक ही नंबर है अदरवाइज हमने क्या किया था अगर आप फर्स्ट स्लाइड में जाएंगे पहले जाएंगे तो लीस्ट जो होता है ठीक है दो अगर मल्... दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अगर जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डेट्स होंगी वही फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट डेट्स होती हैं लेकिन यहाँ तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं नंबर ही एक ही है ठीक है एक ही नंबर है ना दूसरा नंबर ही नहीं है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डेट्स में कितनी सिग्निफिकेंट तो डेट्स होंगी फोर हो जाएंगी ठीक है तो कहां तक मैं राउंड ऑफ करूंगा फोर तक तो ये यहां तक लूंगा तो ये कितना बन जाएगा जाएगा ये 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 से बड़ा है तो ये हो थ्री वन वन पॉइंट थ्री मीटर स्क्वायर ठीक है समझ आया अब देखते हैं वॉल्यूम कैसे निकालना है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है हमारे पास ए क्यूब ठीक है अब इस केस में क्या होगा का क्यूब कितना हो गया थ्री सेवन थ्री पॉइंट सेवन वन फोर सेवन फाइव फोर अब इसके सेम है मल्टीप्लाई है तो देखेंगे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है 4. तो कहां तक 4 तक राउंड ऑफ करेंगे फोर फोर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिजिट डेट कितनी बनती है ये ठीक है तो अब जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये चेक करेंगे ये डिजिट कितनी है फाइव से क्या ये फाइव से कम है तो क्या करेंगे प्रिसीडिंग डेट को छोड़ देंगे जैसे का जैसा है तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा थ्री सेवन थ्री पॉइंट सेवन क्यों हुआ ऐसा क्योंकि ये वाली जो डिजिट है यह फाइव से छोटी है तो इसलिए हमने इसको वैसे का वैसा ही छोड़ दिया इस केस में क्या था फाइव से बड़ी थी इसलिए इसे राउंड ऑफ कर दिया बड़ा कर दिया ठीक है तो ये बिल्कुल सिंपल है कुछ नहीं है एक बार इसको आप चाहें तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं <coughs> तो गाइज ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हिट करें लाइक बटन पे और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye. Take care.